आप सभी को प्यार भरी नमस्कार और धन नकार। आज के वीडियो की शुरुआत कुछ नंकारी महात्माओं के आपस के वार्तालाप से। एक स्थान पर कुछ नंकारी महात्मा बैठे आपस में बात कर रहे थे। उनमें से एक महात्मा कहने लगा, जब से मैं नंकारी मिशन में आया हूं मेरे जीवन में तमाम खुशियां आ गई हैं। पहले मेरे परिवार में तमाम बीमारियां रहती थी, कभी कोई बीमार कभी कोई बीमार, लेकिन जब से मैंने ब्रह्मज्ञान लिया है तब से धीरे धीरे मेरे परिवार में बीमारियां दूर हो गई। अब मेरे परिवार में कोई बीमार नहीं रहता। तभी एक दूसरा महात्मा उनमें से कह उठा कि मैंने जब से ज्ञान लिया है और मैंने सत्संग में आना शुरू किया है, मेरे जीवन में ये हुआ कि मेरे बच्चों की नौकरी नहीं लग रही थी, अब दो बच्चे सरकारी नौकरी पर हैं। एक तीसरा व्यक्ति जो वहां बैठा था उसने अपनी बात रखी, कहा मेरे साथ तो चमत्कार हो गया, मेरी शादी हुए 10 साल बीत गए थे लेकिन संतान नहीं हुई थी। मैंने तमाम डॉक्टर, तमाम हकीम, तमाम वैद्य और तमाम धर्म स्थानों पर जाकर के देखा, जगह जगह देवी देवताओं के स्थानों पर जाकर के मैंने प्रसाद चढ़ाए, लेकिन मेरी पत्नी की गोद नहीं भरी। मैंने इस मिशन में आए हुए भी 2 साल बीते थे कि सतगुरु की कृपा से मेरी पत्नी के पैर भारी हो गए और आज मैं एक बच्चे का पिता हूं। एक अन्य व्यक्ति भी वहां पर था। उन तीनों की बात सुनकर के जब उससे नहीं रहा गया तो वो भी खड़ा हो गया, कहने लगा भैया कुछ मेरी भी सुन लो, जब से मैं इस दर पर आया हूं मेरी तकदीर ही बदल गई है। पहले मुझे व्यापार में निरंतर घाटा होता था, कभी फायदा ही नहीं हुआ, लेकिन जब से मैंने इस दर पर आकर के सदगुरु के चरणों में अपने सिर को रखा है, नमस्कार की है और इस ब्रह्म के ज्ञान को मैंने प्राप्त किया है, अब मेरा व्यापार दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की करने लगा। आज तो मेरे पास सब कुछ है, गाड़ी है मेरे पास, बैंक बैलेंस है मेरे पास, मेरे बच्चे और अच्छे स्कूलों में, बढ़िया स्कूलों में पढ़ रहे हैं, बताओ और क्या चाहिए। हम में से कई व्यक्ति ऐसे हैं जिनके जीवन में यदि थोड़ा सा भी बदलाव आ जाता है तो वो सदगुरु का गुणगान करना आरंभ कर देते हैं। गुणगान करना चाहिए, मैं इसमें कोई रुकावट डालने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, लेकिन इतना भी याद रखें कि यदि कृपा के बजाय कुछ ऐसा हो जाए जो आपको अच्छा ना लगे, अर्थात आपके मन में जो भावना है यदि वो भावना पूर्ण ना हो, तो क्या आपका सदगुरु से विश्वास कम होने लगता है? यदि ऐसा है तो फिर आप पूर्ण रूप से सदगुरु से नहीं जुड़े हैं। अब आप सुनिए, उस समय उन व्यक्तियों के पास एक युवक भी बैठा था। उसने अपनी बात कही, उसने कहा मेरे जीवन में भी तमाम बदलाव हुआ, लेकिन आप सोचिए एक व्यक्ति जो निरंतर भगवान शिव की आराधना करता है, उनका व्रत करता है नियमित रूप से, कांवर भी लाता है और भी कई काम ऐसे करता है जिससे भगवान शिव खुश हों, उसके जीवन में भी वो सारी चीजें आ जाती हैं, उसका व्यापार भी जोर शोर से बढ़ने लगता है। एक व्यक्ति जो शिरडी के साईं बाबा का परम भक्त है, उनके दरबार में भी कई बार गया है, वो निरंतर वो काम करता है जिससे साईं बाबा खुश हों, तो उसके परिवार में भी नई संतान आ जाती है। एक और व्यक्ति जो नित्य निरंतर मां शेरावाली का पूजन करता है, या तिरुपति बालाजी का परम भक्त है, नित्य निरंतर उनका पूजन करता है, जलाभिषेक करता है, जाकर के उनको प्रसाद भी चढ़ाता है, सब कुछ करता है, उनकी कृपा से उसका भी व्यापार खूब फल फूल रहा है, उनकी कृपा से उसके भी बेटे की सरकारी नौकरी लग गई है, तो नंकारी मिशन में आकर के आपके साथ का निराला हो गया? अरे कुछ ऐसी बात करो जो नंकारी मिशन में ही आपको मिली है सदगुरु से, और कहीं किसी को वो मिल ही नहीं सकती। चारों ने उसकी तरफ देखा, विचित्र से भाव थे उनके चेहरे पर, कहने लगे आपको क्या मिला है नंकारी मिशन में आकर के? उस युवक ने कहा मुझे नंकारी मिशन में आकर मिला है परमात्मा, मिला है ब्रह्म ज्ञान जो इस दर के अलावा दुनिया में और कहीं अवेलेबल है ही नहीं। सतगुरु की कृपा से ब्रह्म ज्ञान मिलता है, और जिसको ब्रह्म ज्ञान मिल जाता है ना, ये जो चीजें अभी आपने गिनाई हैं ये तो फोकट में ही मिल जाती हैं बिना किसी प्रयास के। केवल ब्रह्म ज्ञान समझ में आ जाए, केवल सतगुरु की कृपा का एहसास करो कि इन्होंने हमें वो दिया है जो कोई नहीं दे सकता, जिसने कभी जो चीज हमें नहीं दी, यदि ये एहसास हमें रहता है तो सतगुरु की कृपा होती है हम पर, और फिर हमारे अंदर प्रस्फुटित होता है प्रेम, हमारी बदलती है दृष्टि, हमारा बदलता है नजरिया, ये जात, ये पात, ये खान पीन, ये पहनावा, सब कुछ समाप्त हो जाता है, सारे भ्रम टूट जाते हैं, सारे भुलेखे टूट जाते हैं, और प्रेम इस मिशन में आकर ही तो महसूस होता है। एक नंकारी दूसरे नंकारी से कभी पूछता ही नहीं कि तेरी जात क्या है, पूछता ही नहीं कि तू खाता क्या है,
पूछता ही नहीं कि ये तू सलवार कुर्ता क्यों पहने हुए है, तूने पैंट शर्ट क्यों पहनी है, ये सूट तूने क्यों पहन रखा है। ये प्रश्न स्वतः ही खत्म हो जाते हैं जब ये ब्रह्म का ज्ञान मिल जाता है और पता चल जाता है कि हम सब एक ही तो हैं। संसार में हमेशा ही एक चीज की कमी रही है और वो है प्रेम। प्रेम हमेशा इंसान को जोड़े रखता है। प्रेम का जब अभाव होता है, प्रेम जब कम होता है तो परिवार टूटते हैं, प्रेम जब घटता है तो रिश्ते टूटते हैं, प्रेम जब घटता है तो कटुता आती है, प्रेम जब घटता है तो बैर बढ़ता है। प्रेम जिसके अंदर है उसके लिए घर स्वर्ग होता है। और प्रेम कहां से आता है? परमात्मा में से, क्योंकि परमात्मा प्रेम ही तो है, गॉड इज लव। मैं जिस प्रेम की बात कर रहा हूं वो ये प्रेम नहीं है जिसे आप समझ रहे हैं, घटने बढ़ने वाला प्रेम नहीं, आने जाने वाला प्रेम नहीं, समय के साथ खत्म होने वाला प्रेम नहीं, कि भाई बहन से प्रेम करता है इसलिए क्योंकि बहन भाई से प्रेम करती है। अगर आज ही माता पुत्र से प्रेम करना बंद कर दे तो पुत्र भी माता से प्रेम करना बंद कर देगा। बेटा पिता से इसलिए प्रेम करता है क्योंकि पिता बेटे से प्रेम करता है। पति पत्नी को इसलिए चाहता है क्योंकि पत्नी पति को चाहती है। ये तो लेन देन वाला प्रेम है, ये तो मिटने वाला प्रेम है, ये तो समय के साथ घटने और समय के साथ बढ़ने वाला प्रेम है। ये प्रेम बिल्कुल इस तरह का प्रेम है जैसे नफरत। सुरेश राजेश से नफरत इसलिए करता है क्योंकि राजेश सुरेश से नफरत करता है। दोनों एक दूसरे से नफरत करते हैं, एक दूसरे से प्रेम करते हैं। अगर एक प्रेम खत्म कर देगा तो दूसरा भी प्रेम खत्म कर देगा। एक से नफरत समाप्त हो जाए तो दूसरे से नफरत अपने आप ही समाप्त हो जाती है। ये वो प्रेम नहीं है। प्रेम तो वो है जो कभी घटता है ना बढ़ता है, जिसमें सौदा नहीं होता। सामने वाला आपको प्रेम करे या ना करे, आप उसे प्रेम करते रहेंगे। वो आपको भले ही कांटे मारे, आप फूल उस पर चढ़ाते रहेंगे, फूल उसे देते रहेंगे। और ऐसा प्रेम केवल और केवल परमात्मा से हो सकता है क्योंकि परमात्मा से ही वास्तविक प्रेम प्रस्फुटित होता है। परमात्मा से ही प्रेम का उदय होता है, परमात्मा में प्रेम का अस्त कभी नहीं होता। जो परमात्मा से प्रेम करता है उसके अंदर से, उसके हृदय से प्रेम निकलता है और वो प्रेम इस ब्रह्म से ही हो सकता है। ऐसे ही प्रेम के बारे में कबीर साहब कहते हैं, जाघट प्रेम न संचरे ताघट जान मसान, जैसे खाल लुहार की श्वास लेत बिन प्राण। जो परमात्मा से प्रेम नहीं कर सकता वो किसी से भी प्रेम नहीं कर सकता। परमात्मा से जो प्रेम किया जाता है उसमें सौदेबाजी होती नहीं है। परमात्मा से जो प्रेम किया जाता है वो कम या अधिक नहीं होता, वो संतुलित प्रेम होता है। वो ऐसा प्रेम होता है कि परमात्मा हमें देते हैं और हम परमात्मा को देते हैं, इसमें सौदेबाजी नहीं है। क्योंकि परमात्मा हमसे कभी रुष्ट नहीं हो सकते, इसलिए अगर हम परमात्मा से प्रेम करते हैं तो हम भी परमात्मा से कभी रुष्ट नहीं हो सकते। और जो ऐसा प्रेम करते हैं वो समस्त संसार से, समस्त जीवों से प्रेम करते हैं, इंसानियत से प्रेम करते हैं, उनके अंदर इंसानियत प्रकट हो जाती है। वो कहते हैं, जित देखूं तित एक ही साहिब का दीदार, समदृष्टि सदगुरु कियो मेरा परम विकार। उनकी नजर बदल जाती है, जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है, कि हर शय में जलवा तेरा हो बहु है। उसकी दृष्टि बदल जाती है, वो जिधर देखता है परमात्मा ही उसे नजर आता है। हर शय में, पेड़ में, पौधे में, पत्ते में, जर्रे में, कीट में, पतंगे में, पशु में, पक्षी में, इंसान में, बच्चे में, जानवर में, बड़े में, स्त्री में, पुरुष में, बालक में, बालिका में, हर किसी में, यहां तक कि पानी में, वायु में, आकाश में, पाताल में, तारों में, चांद में, सूरज में, हर किसी में उसे परमात्मा का ही दर्शन करने के लिए मिलता है। उसकी ऐसी नजर हो जाती है और जिसकी ऐसी नजर हो जाती है वो तो स्वयं प्रेम का स्रोत हो जाता है। उसे हर घट में परमात्मा ही नजर आता है। वो किसी से नफरत नहीं कर सकता। वो मानव है, वो महामानव है, वो खुद है, वो खुदा है। ऐसी दृष्टि यदि कहीं से मिलती है तो वो सतगुरु माता सुदीक्षा शविंदर हरदेव जी महाराज से मिलती है। इस मिशन में आकर के यही तो होता है। जो चीज शुरू में बताई, नाशवान चीज, फोकट में मिल जाती है, लुभाव में मिल जाती है, बिना मांगे मिल जाती है, और वास्तविक चीज जो मिलती है वो मिलता है अमित प्रेम, अमित ब्रह्म, जिसका कभी नाश नहीं होता, जो निरंतर बढ़ता है, ऐसा अमर प्रेम। तो सत्संगत फ्रेंड्स, साथियों, कैसा लगा आज का वीडियो? अच्छा लगा है तो शेयर करना, लाइक करना और कमेंट करना। चैनल को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है
तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस अवश्य कर देना, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। इसी के साथ आप सभी को प्यार भरी नमस्कार और धन्यवाद।